अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग हैं आज एचआर फार्मिंग एमएच गोट फार्म पर, जो कि लोकेटेड है मुरबाड़ में, और इस फार्म को रन करते हैं मुदस्सिर भाई। ठीक है, आज हम लोग इस फार्म की जो है फुल फार्म टूर करेंगे, आपको पूरी इस फार्म की अपडेट देंगे। मुदस्सिर भाई जो है उनसे बात करेंगे हम लोग। मुदस्सिर भाई ने पहली बार जो है वो फार्म की इतनी बड़ी जगह ली है और फार्म में इतने सारे बकरे जो है वो लेके आए हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी जो है हम लोग आपको आगे वीडियो में आपको देंगे। और फार्म पे काफी बड़ी जगह है और काफी सारे बकरे भी हैं, तो बकरों का रेट भी जो है काफी अच्छा होने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह पूरे फार्म को हम लोग आपको दिखाएंगे, क्या बकरे हैं, क्या रेट होने वाले हैं। और मुदस्सिर भाई जो है पहली बार इतने सारे बकरे लाके यहाँ पर उन्होंने फार्म स्टार्ट किया है, तो उनकी पूरी जर्नी जो है वो हम लोग आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और जिस किसी भाई को भी हमारे चैनल से शूट करवाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप और जीमेल दोनों मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जैसा आपकी जर्नी जो बताई, आपने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जगह लेके और पहली बार आपने जो है इतने सारे सेटअप किए हैं, बकरे वगैरह लेके आए हैं, जी 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 तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, मतलब आपकी जर्नी? बस स्टार्ट हो गई, एक माइंड में तो था नहीं गोट फार्मिंग करने का जी, लेकिन कैसा था कि जब जगह लिए दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए, हाँ, और बकरा ईद को 6 महीने बाकी दे, तो सब मशवरा हुआ चलो ठीक है इस साल बकरे लाके देखते हैं क्या होता है। हाँ, सब लोग कारोबार करते हैं और ये बहुत बरकती कारोबार है जी, तो हमने भी सोचा हम भी करके देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हाँ, और मैं तो चाहूँगा कि हर लोग इस कारोबार को करे। जी, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह है जो यहाँ से आप देख सकते हो, फार्म के एंट्रेंस से लेके पूरे फार्म जो है काफ़ी बड़ी जगह में है। ठीक है, और ये आपको स्टार्ट करके अभी 6 महीने हुए? जी, पहले मैंने जनवरी में मैंने बकरे लेके आया था। हाँ, असल में जो शेड बनाया था मैंने, एक्चुअली आप लोगों को बताऊं तो ये मुर्गियों के लिए बनाया था। अच्छा, देसी मुर्गी का कॉन्सेप्ट डालना था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करके मुझे यहाँ पर देसी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी का करना था। हाँ, लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट चेंज करके मैंने बकरे का डाल दिया। अच्छा, तो अभी ये जैसा फार्म काफ़ी बड़े जगह में है, ये आपका जो है स्टाफ रूम है या कैसा है ये? नहीं, यहाँ अभी फिलहाल तो नीचे एक ऑफिस टाइप बनाया हुआ है। अच्छा, ये ऑफिस टाइप है जी। और ये ऊपर जो है? ये ऊपर अभी कैसा है, लोग आते हैं दूर से थोड़ा आराम करने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। अच्छा, उसके लिए बनाया गया। अच्छा, वो ऊपर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए है और नीचे एक ऑफिस टाइप में बनाया है, बाजू में वजू खाना वगैरह एंड वॉशरूम है जी। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी बड़े जगह में है। और ये स्टाफ रूम है? जी, स्टाफ रूम बनाया हुआ है क्योंकि मेरा जो स्टाफ यहाँ पर रह रहे हैं फैमिली के साथ में, हाँ, 3 स्टाफ है, तीनों की वाइफ साथ में है, बच्चे भी साथ में है जी, ताकि उन लोग को भी अच्छा लगे। आदमी अकेला थोड़ा दूर है मेरा, आउटस्कर्ट में है। हाँ, जो जगह है ये अपने कल्याण के आगे मुरबाद करके इलाका है। हाँ, ये बॉम्बे से देखने जाएंगे तो 100 किलोमीटर दूर है। बॉम्बे से जो 100 किलोमीटर के पर, हाँ, यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है मालसेज घाट करके। हाँ, शायद हर किसी को ये स्पॉट मालूम होगा। लोग बारिश में अक्सर यहाँ पर आते हैं जी, अच्छा मौसम होता होगा यहाँ जी। जैसा लोनावला में वाटरफॉल है, लोनावला से 4 गुना ज्यादा वाटरफॉल यहाँ पर है। ओके, लोग यहाँ पर घूमने ही बहुत आते हैं, और अब तक जो नहीं आया है, हाँ, जो मेरी वीडियो देखने के बाद जी, अगर वो आना भी चाहता है तो यहाँ पर आके देख सकता है। ओके, तो उनको पता लगेगा हाँ वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आने से पहले अभी गूगल सर्च करेगा मालसेज घाट, हाँ, तो उसको पता लगेगा। तो यहाँ पे वो भी करीब में ही है जी जी अच्छा, तो जैसा कि ये आपका अभी सेट जो है इसका काम चालू है जी, ये कैसे सेट है अभी, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है आपका? नहीं एक्चुअली ये मेरे बकरे अभी इस साल लाया था, तो 300 बकरे, मुझे जगह थोड़ी सी लग रहा था छोटी है, हाँ, तो उसके लिए दूसरा शेड का काम चालू करवा दिया। हाँ, लेकिन इससे पहले भी मेरा एक वीडियो शूट हुआ था, उसमें मैंने बताया था हाँ, अगर ये किसी को रेंट पे भी चाहिए हाँ, तो मैं रेंट का भी एक ऑप्शन लोगों को दूंगा कि कितने अच्छा, लोगों को गोट फार्म चालू करना रहता है, हाँ, जगह का इशू है, शेड का इशू है, आदमी ये सब इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम करता नहीं है, वरना हाँ, कितने गोट फार्म चालू होके बंद हो जाते हैं हाँ, तो आदमी टूट जाता है। तो अभी क्या उनको रेडीमेड जगह मिलेगी, सिर्फ बकरे लाओ और और मुझे रेंट दो और हाँ, अपना कारोबार चालू कर दो अपना कारोबार चालू जी। करो और अपना खुद तो का यहाँ पर बोर्ड भी लगा सकता है कि भाई ये देखो आप दिखाओ उनको, अलग अलग गाले बने हुए, जी, अलग अलग अगर गाने मेरे बने। पास कोई इंक्वायरी आई हाँ, तो फिर मैं उनके हिसाब से बनाऊंगा। अपना खुद का बोर्ड भी लगा सकता है, ओके जैसा मॉल वगैरह में आदमी दुकान लेता है, जी, रेंट देता है, बाद में माल वगैरह खुद का भरता है, हाँ, तो उसी तरह ये रेंट पे ले, अपने खुद के बकरे भरे और खुद मेहनत करे, या और स्टाफ रखना, स्टाफ रखे हो। स्टाफ रखे, तो देख सकते हो कितना कितने फुट की ये जगह है। ये 1 गाला 1000 फुट का है। एक गाला 1000 फुट का है और वो गाला है, और ये जो बाहर की जगह है बकरे, जी ये बाहर आदमी कैसा है, सफाई के टाइम प्ले एरिया बोलते हैं उसको, हाँ, प्ले एरिया बनेगा यहाँ पर। ओके, तो बाहर जो है ये प्ले एरिया रहेगा और अंदर जो है ये 1000 फुट की जगह है जो बकरे वहाँ पे
रह सकते हैं जी। तो इनका रेंट वगैरह कैसा रहेगा? रेंट वगैरह जिनको इंटरेस्ट हो मुझे कॉल करे, मैं इंशाल्लाह फोन पे बताऊंगा या यहाँ पर आना चाहे जगह देख के उसको भी बता दूंगा। और ये जो है अपना स्टोर रूम है जी, स्टोर रूम अच्छा, जहाँ पे पूरा माल है माशाल्लाह, काफी बड़ी जगह है ये भी, काफी सारा माल जो है इसमें आ सकता है जी, जी। कोई फार्म ओपन किया तो ये जगह भी उनको हाँ यूज करने मिलेगी, खुद का दाना लाना है खुद का भी ला सकता है, अगर दाना नहीं ला सकता है मेरे पास स्टोरेज है मुझसे लेना चाहे तो मैं उनको मतलब जो रेट में मुझे आता है मैं वही रेट में उनको भी करके दूंगा। माशाल्लाह, मतलब काफी अच्छी बात है, जो रेट में आपको आ रहा है वो रेट में आप लोगों को भी दोगे, जो यहाँ पे करना चाहते हैं इंटरेस्ट रखते हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह सारी डिटेल जो है आप उनको बता देंगे जी। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह, ये जो है बकरे हैं 300 के आसपास। टोटल कितने बकरे हैं फार्म पे अभी अपने? एट प्रेजेंट अभी हो गए, बकरे ज्यादा थे, थोड़े बिक गए, थोड़े सेल आउट हो गए। असल में मेरी पहली वीडियो बनाया था मैं लास्ट वीक में जी, तो उसके बाद में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके अंदर। ओके, तो अभी 150-200 बकरे होंगे। अच्छा, 150-200 बकरे होंगे टोटल, फीमेल्स और मेल मिला के ना? नहीं नहीं, फीमेल्स का पूरा ब्रीडिंग सेटअप मेरा अलग है। अच्छा, फीमेल्स का पूरा ब्रीडिंग सेटअप अलग है, इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे ब्रीडिंग सेटअप भी। ये वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं अपने? अभी एक्चुअली मेरे पास तीन स्लॉट का माल था, एक 450 वाला, एक 525 वाला और एक 600 वाला। ओके, उसमें 450 वाला माल तो अक्सर पूरा खत्म ही हो गया है। ओके, अभी 525 वाला और 600 वाला माल अवेलेबल है मेरे पास। तो हम लोग 525 वाला ये वीडियो में कवर करते हैं और 600 वाला है जो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह बकरे काफी अच्छे हैं, कौन कौन से ब्रीड में इसमें बकरे हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे अंदर बात करेंगे हम लोग। ये 525 वाला लॉट है, इसमें भी जिसपे बेल्ट लगा हुआ है माल बिक गया है। ये 450 वाला लॉट था, अच्छा, इसमें सारे में अक्सर बेल्ट लगे हुए ही है। अच्छा, मतलब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है वो सोल्ड हो चुके हैं इसमें से। ओके, माशाल्लाह। तो ये जो है अपना 525 वाला लॉट है जी। तकरीबन इनको आके कितना महीना हो गया यहाँ पे? 5 महीने हो गए इनको आके। अच्छा, मतलब 5 महीने से यहीं पे है, तो माशाल्लाह फुल क्लाइमेट सेट है यहाँ पे। जी जी, बॉम्बे क्लाइमेट सेट है जी, और वैक्सीनेशन वगैरह सारा कुछ इनका हो चुका है जी। इसमें खस्सी है या अंडुल है? इसमें सब खस्सी है, इसमें सारे खस्सी है जी। कुछ इसमें लेट पंच भी है और बाकी प्रॉपर खस्सी जब लाने से पहले ही सारे पंच हुए थे। अच्छा, मतलब सारे पंच हुए थे। ओके, माशाल्लाह देख सकते हो इसमें सारे अच्छे बकरे हैं। कौन कौन सी ब्रीड में है इसमें? इसमें सोजत भी है, जमुनापारी भी है, अलवर के भी है। अच्छा, मतलब मेवाती भी है, डांग भी है, सोजत भी है और इसमें कोटा भी है क्या? हाँ, कोटा के भी कुछ बकरे हैं। कुछ कोटा के भी है, ठीक है। तो इसमें इसमें गुजरी भी है छोटे साइज में। अच्छा, गुजरी भी है छोटे साइज में यहाँ पे। तो इसमें 2 दांत 4 दांत 6 दांत के बकरे होंगे? जी जी, 2 दांत से लेके 6 दांत 8 दांत के भी कुछ हो गए होंगे। अच्छा, 8 दांत के भी। और क्या बॉडी वेट से स्टार्ट है बकरे इसमें? 60 किलो से लेके 70-75। अच्छा, कुछ इसमें बड़े भी दिख रहे हैं आगे, जरा 80 किलो के भी होंगे। इसमें 5-6 बकरे है, कुछ कुछ इसमें भी सेल आउट हो गए। ये तकरीबन क्या वेट पे आएगा? यह मेरे हिसाब से 75 आना चाहिए। अलवर का बकरा हो, अलवर का बकरा है ये, और 70 के आसपास जो है इसका वेट आएगा। देख सकते हो माशाल्लाह एकदम भरा हुआ बच्चा है। ये बच्चा भी देखो माशाल्लाह अलवर का है जी। क्या वेट आएगा इसका? इसका भी 70+। 70+ माशाल्लाह, एकदम भरे हुए जानवर है, तैयार एकदम। ये मेवाती, ये भी 65-70 वेट आएगा इसका। 65-70 ये सेल हो चुके हैं जी, ये भी सेल हो चुके हैं। ये इसको उठाइए ना जरा, ये मेवाती ना जी। अच्छा, बड़ा दिख रहा है माशाल्लाह ये। ये 80 किलो+ रहेगा माशाल्लाह, अच्छी चीज है। झालर पट्टी बकरा देखो, लेंथ हाइट जबरदस्त एकदम, और रेयर कलर है एकदम, ये कलर में बकरे काफी कम दिखते हैं अभी जी। माशाल्लाह चीज है। कितने दांत पे होगा ये? ये 8 दांत पे। 8 दांत पे और 80+ वेट आएगा इसका। 80+ माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है एकदम। ये भी मेवाती जी, क्या वेट आएगा तकरीबन इसका? इसका 70+ आएगा। इसका 70+ आएगा ना, 70+ आएगा। और कितने दांत पे होगा ये? 6 दांत पे। 6 दांत पे 6 दांत पे 70+ वेट माशाल्लाह। ये देखो खूबसूरत बकरे एकदम, ये सेल हो चुका है। तो ये 525 वाला लॉट है अपना। 525 वाला। इसमें जो भी बकरा आपको समझ में आए आप
स्क्रीनशॉट करो, नहीं यहाँ पर आना पड़ेगा। अच्छा, डिटेल वगैरह जो है लगभग यहाँ पर आए, खुद अपने आंखों के सामने वेट करें। अच्छा, और अगर ईद तक मेरे पास रखना चाहे तो मैं रख भी लूंगा। ओके, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, और अच्छा, लेकर जाना चाहे तो लेकर जा भी सकता है। मतलब यहाँ पे आओ, बकरे देखो जी, वजन करो, और अपने जो आपकी सहूलत है उसमें खरीदो, और बकरे अगर रखना है आपको रखो, और लेके जाना है तो लेके भी जाओ जी। लेकिन मेरे को रखना है मेरे पास, मैं फुल पेमेंट लेके ही मेरे पास रखूंगा। अच्छा, मतलब कोई फुल पेमेंट करता है, लेके मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, अगर तो कोई आपके व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि टोकन की बात ना करे, फुल पेमेंट दे, अपना बकरा बुक करे, और लेकर जाना चाहे लेके जाए, और रखना चाहे तो रख भी सकता है। अच्छा, अगर कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है, लेकिन पहले फुल पेमेंट कर दे, उसके बाद बकरा रखेंगे, टोकन वाला काम नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, जिसको भी समझ में आए आप यहाँ पे आओ, बकरे देखो, बकरे बाय करो, लेके जाना है लेके जाओ, या यहाँ पे रखना है तो आप रख भी सकते हो फुल पेमेंट देने के बाद। ठीक है, सारे बच्चे माशाल्लाह एकदम फुल सेट है यहाँ के क्लाइमेट में, और सारे खूबसूरत जानवर देख सकते हो आप, मैंने एक से बढ़कर एक ही दिखाया है यहाँ पे। ये गुजरी देखो, एक अच्छे हाइट लेंथ पे, क्या वेट आएगा तकरीबन इसका? इसका 75 ना, माशाल्लाह। वाइट आइस गुजरी नहीं है, देखने जाएंगे तो बीटल और गुजरी क्रॉस है। अच्छा, बीटल और गुजरी क्रॉस है, लेकिन अच्छे हाइट और लेंथ में माशाल्लाह। ये 525 जी पर केजी के हिसाब से ये सारा लॉट सेल करना है। तकरीबन बॉडी वेट जो है 60 किलो से लेके इसमें 80 किलो तक वाला माल भी अवेलेबल है इसमें जी। क्या 50 किलो से लेके ने आप? अच्छा, 50 किलो से लेके बोल सकते हैं 75-80 केजी तक, 80 केजी तक का माल जो है जी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसको भी समझ में आए आप आओ, फार्म विजिट करो, और बकरे देखो और बाय करो। ठीक है, ये अपना एड्रेस क्या आएगा? ये कल्याण के आगे, बॉम्बे के अंदर कल्याण है जी। आप कल्याण से आ सकते हैं, शाहपुर से होते हुए भी आ सकते हैं, मुरबाद करके है इलाका है। आप गूगल पे मेरा लोकेशन डाल सकते हैं, एमएच गुड फार्म। एमएच गुड फार्म जी, तो ये रजिस्टर्ड है यहाँ पे सीधा जी? यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाएंगे आप। ये मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूर पे है, बॉम्बे से है ये। ओके, तो फार्म विजिट करो, मुंबई से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है कल्याण से, 50 किलोमीटर है मुंबई से, 100 किलोमीटर दूर है। आप फार्म विजिट करो, बकरे देखो, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है, खूबसूरत बकरे हैं इसमें, सोजत में है, अलवर के हैं इसमें, मेवाती है, गुजरी है, देख सकते हो सामने खूबसूरत अच्छे बच्चे हैं। 525 पर केजी के हिसाब से यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, तो जिसको भी समझ में आए आप आओ और बकरे बाय करो यहाँ पे। ठीक है, सारी डिटेल जो है हम लोगों ने दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको सोजत के बच्चे दिखाएंगे जो 600 रुपीज पर केजी के हिसाब से। नहीं, सोजत भी मेरे पास 525 के। अच्छा, 525 के, वो भी आगे दिखा सकते हैं। अच्छा, दिखाएं, चले वो भी देख लेते हैं हम लोग इसमें, लेकिन ज्यादा बच्चे नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें भी ज्यादा बच्चे हैं। ओके, ये देखिए माशाल्लाह सोजत। ये दूसरे बाड़े में भी इसमें भी मिक्स है? नहीं, इसमें जो व्हाइट सोजत है वो 525 के। अच्छा, इसमें जो व्हाइट है वो भी 525 के, बाकी दूसरे जो है वो अलग रेट के हैं। अलग रेट के। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये जो इसमें खाली व्हाइट सोजत है ये 525 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से देंगे ये। इसमें कुछ में बेल्ट लगे हुए सेल आउट हो चुके हैं। अच्छा, जो बेल्ट लगे हैं वो इसमें भी सेल आउट हो चुके हैं जी। ये भी है जी, क्या वेट पे होगा ये तकरीबन? ये 55 रहेगा। 55 रहेगा, ठीक है, 55 वेट आएगा, और दांत में 2 या 4 दांत होगा ये। ये भी एक सोजत में, ये भी तकरीबन 50 के अराउंड आएगा वेट जी। 50 रहेगा, 48-50 रहेगा, 48-50 के अराउंड रहेगा। ठीक है, ये ब्राउन मुंडी वाला आप दिखाइए, अदंत है, किसी को अगले साल के, ये नीचे बैठा हुआ है। अच्छा, ये जी, ये अदंत है। अच्छा, ये अदंत है, अदंत है। हाँ, तो ये बकरा इसमें दांत तो करेगा नहीं? ये नहीं, ये बकरा इसमें दांत नहीं करेगा, किसी को आइंदा साल के लिए चाहिए, आप दिखा सकते हैं। अच्छा, अभी तो एकदम बारीक दांत है, ये बकरा इसमें तो नहीं करेगा ये। इसको जरा उठाइए ना एक बार, किसी को हाइट लेंथ देखनी हो तो। ये अगले साल के लिए है, ये साल तो ये दांत नहीं तोड़ेगा, देख सकते। 55-60 केजी का रहेगा, 55-60 केजी का रहेगा। किसी को अगले साल के लिए चाहिए तो ये बाय कर सकते हैं। बाकी ये बोर वगैरह सब अलग रेट के हैं ना जी। ओके, ये भी सोजत, इसको दिखाया हम लोगों, ये सोजत जो है ये 525 रुपीस पर के जी, 525 पर के जी के हिसाब से। और जो बकरे हम लोगों ने आपको वहाँ पे दिखाए, मेवाती, सोजत और गुजरी में, वो भी जो है 525 रुपीस पर के जी के हिसाब के थे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे हम लोग जी, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है 600 रुपीस पर के जी वाले बकरे,
वो हम लोग दूसरे वीडियो में दिखा देते हैं, ठीक है। तो अपना नंबर क्या आएगा? 9020 29 15 15 9029 51 3380 3380। ओके, तो मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एड्रेस हम लोग ने पूछ लिया है, जिसको भी इंटरेस्ट है बकरे खरीदने में आप फार्म पे आओ, विजिट करो और बकरे लेके जाओ, ठीक है। तो यही भी ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।